हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि आपके पास मान लिया कोई दो नंबर दिए हैं ए और बी, और ए जो है बड़ा है बी से, तो ए बी से बड़ा है, तो जब आप ए को डिवाइड करेंगे बी से, डिवाइड करते चले जाएंगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा, कुछ शेषफल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, भागफल आएगा कुछ, इसको क्यू से लिख दीजिए भागफल, ये शेषफल। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक बी इंटू भागफल प्लस शेषफल। और ये जो शेषफल होता है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि किसी भी दो नंबर के लिए आप लगाओगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते करते पहुंचोगे कुछ शेषफल मिलेगा और कुछ भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और ए बी क्या है, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ए भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये है हम लोगों का, इस पे वेट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो यहां पे देखते हैं हम लोग। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं बोला जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम लोग इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए तथा 3 के लिए यूक्लिड विभाजन लगाने का। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी ए बड़ा होगा, और ए को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते 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 यहाँ पे कुछ शेषफल आएगा, कुछ ये आएगा, तो ए ए ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक 3 इंटू क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, उससे हमेशा बड़ी, ये रिमाइंडर है शेषफल r, जब आप 3 से भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा। यानी अगर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, जितने धनात्मक पूर्णांक है सारे उसमें आ गए, और 3 और a के लिए जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो हम लोग a को कैसे लिख सकते हैं, 3 * q + r, और r की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पे क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, क्योंकि आप किसी भी संख्या को 3 से जब भाग दोगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो यानी a हमारा कैसे कैसे हो सकता है, r की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 3q प्लस, और r की वैल्यू 1 रखेंगे 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2, यानी जो a हमारा है ये 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2
के रूप का होगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है ए, ए और थ्री के लिए यूक्लिड विभाजन परिणीता लगाने पे वो थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू के रूप का होगा। और क्यू क्या है यहां पे, पूर्ण संख्या है, यानी अगर हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए लिया जाए तो या तो 3q के रूप का होगा या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, उसका क्यूब करने पर वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ए का अगर हम घन करें, ए क्यूब, ए क्यूब ये क्या होगा, 3q का होल क्यूब या 3q प्लस 1 का होल क्यूब या 3q प्लस 2 का होल क्यूब। के रूप का होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है a का घन, ये क्या है, a क्यूब क्या है, a का घन, ए क्यूब, थ्री क्यू का होल क्यूब या थ्री क्यू प्लस वन का होल क्यूब या थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यूब के रूप का होगा। अब इसको हम लोग और ओपन कर लेते हैं तो ये थ्री क्यू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू इंटू थ्री क्यू इंटू थ्री क्यू, ऐसे होगा या 3q प्लस 1 का होल क्यूब। हम लोग यहां पे देख लेते हैं a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है इसका मीनिंग क्या होता है, a प्लस b, a प्लस b और a प्लस b को तीन बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस बी बचा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब इसमें गया और इसमें आएगा तो 2a स्क्वायर b प्लस a से इसमें तो a इंटू बी स्क्वायर प्लस फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू a स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर b क्यूब। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b क्या हो गया 3a स्क्वायर b और ये 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर समान पद जुड़ जाते हैं, ये हो गया 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b, 3a इंटू b दोनों से कॉमन है, यहाँ से 3a इंटू b कॉमन करेंगे तो यहाँ a बन जाएगा प्लस यहाँ b बन जाएगा, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। और लोग यहाँ पे यूज करेंगे 3q प्लस 1 के होल क्यूब के लिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो यहाँ पे यूज करेंगे तो a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3q इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हो गया। इस पे लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब इंटू टू और ब्रैकेट में थ्री क्यूब प्लस टू, यानी ये क्या होगा, तीन तीन नौ थ्री सत्ताईस, ये 27
क्यू क्यू, ये क्या हो गया 3q का होल क्यूब, ये क्या हो गया 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस टी त्रिका 9q 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब 3 3 9 3 27 क्यू क्यू प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 2 18 और क्यों पहले से 18 क्यों ब्रैकेट में 3q प्लस 2 ये हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो a क्यूब हमारा कैसे होगा 27 क्यू क्यू या 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस 9q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 27 q² यानी 27 q² प्लस 9q × 1 ये क्या हो गया सीधा सीधा 9q या ये सॉरी ये 27 q³ है 3 3 9 3 27 ये क्या हो गया 27 q³ प्लस 8 प्लस 18q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 और q² 54q² प्लस 18q से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36q। यानी हमारा a का घन जो है इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। फिर इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं हम लोग 27 q³ या 9 × m क्या है कोई भी पूर्ण संख्या होगा तो 9 × something हमें प्रूव करना है तो इसको 9 × something लिखेंगे तो 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3 यानी 9 × 3 क्यू क्यूब को हम अलग कर लिए। ये इस रूप का होगा या अब यहां से देखिए 3 टर्म 27 q³ प्लस 27 q² प्लस 9q है यहाँ तीनों से 9 काउंट कर लिए हम लोग तो यहां से क्या बचेगा 3 q³ प्लस 27 q² से 9 काउंट लेंगे तो 9 × 3 27 3q² बचेगा और यहाँ 9q से 9 काउंट लेंगे तो q बचेगा और 1 को क्या कर दिए अलग कर दिए हम लोग तो ये हो गया 9 × 3q³ प्लस 3q² प्लस q। फिर यहां से क्या किया इन तीनों टर्म से 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 जब कॉमन कर लेंगे आप तो ये 3q³ प्लस 9 × 6 = 54 6q² प्लस 4q और प्लस 8 को अलग कर दिए हम लोग तो अगर q जो है पूर्ण संख्या है आपका q पूर्ण संख्या है यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करो पूर्ण संख्या में ऐड करो तो हमेशा क्या आता है पूर्ण संख्या ही आता है। यानी ये जो होगा 3 × q³ ये भी एक पूर्ण संख्या होगा ये भी एक पूर्ण संख्या होगा ये पूरा 3q³ प्लस 3q² प्लस q ये पूरा क्या होगा एक पूर्ण संख्या होगा ये भी क्या होगा पूरा एक पूर्ण संख्या होगा। यानी हमारा a का घन यानी a क्यूब या तो इस रूप का होगा या s इस रूप का होगा या इस रूप का होगा तो ये पूर्णांक है q तो 3q³ भी पूर्णांक होगा इसमें 3q² पूर्णांक जोड़ेंगे वो भी पूर्णांक आएगा और प्लस q करेंगे ये भी पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या ही आएगा हमेशा। तो ये क्या हो गया हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का घन इसको एक 9 × something तो यहाँ पे 9 × कोई एक नया पूर्ण संख्या मान लिए 9 × m या 9 × एक और पूर्ण संख्या तो q की जैसे